जय श्रीमन्नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 9 राज विद्या राज गुह्य योग श्लोक 25। यान्ति देवव्रता देवान् पितृन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। ॐ गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबका राज विद्या राज गुह्य योग के शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन जे मनुष्य इंद्र तथा अन्य देवताओं की पूजा करत है उनका उन देवताओं की प्राप्ति होत है। जे लोग पितृ देवताओं या पितरों की पूजा करत है उनका उनके प्राप्ति होत है। जे लोग यक्ष या राक्षसों की पूजा करत है वे उन्हीं यक्षों और राक्षसों का प्राप्त करत हैं और जे लोग हमार पूजा करत हैं वे हमका ही प्राप्त करत हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा स्पष्ट रूप से कहता है कि जे लोग उनके पूजा करी हैं वे उनके समान अविनाशी अवस्था का प्राप्त करी हैं और उनके द्वारा अनुभव किए जाए वाला शाश्वत और असीम आनंद प्राप्त करी हैं। लेकिन यदि वे अन्य देवताओं पितृ देवताओं यक्षों या राक्षसों या अन्य किसी अन्य के पूजा करी हैं तो वे अपने लोकों में पहुँच गई हैं और उन देवताओं द्वारा प्राप्त सीमित सुखों के अनुभव करी हैं और जब वे देवता नष्ट हो गई हैं तब वे भी उनके साथ नष्ट हो गई हैं और जन्म और मृत्यु के इस चक्र में वापस आ गई हैं। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं पर चिंतन करते हुए आओ हम शाश्वत और असीमित आनंद के अनुभव करे के इच्छा का बढ़ाई। आओ हम जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त होए के अपनी इच्छा का तेज करी और हमका ये स्पष्ट समझ होए कि केवल श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के प्रति समर्पण करके ही वो इच्छा पूर्ण होए। श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के प्रति समर्पण करते हुए आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का श्लोक के रूप में दोहरावे का प्रयास करिए। यान्ति देवव्रतान् देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। श्रीमद् भगवद गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन्नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन्नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन्नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमार तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमार चौथा वचन, जैसा आप कहें हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा
आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमार पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम ब्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आपके शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमार सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवद गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है, हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है, जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पचावे के प्रयत्न करब। अब ही हम परमात्मा से अपन आठ वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए हैं वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। यान्ति देवव्रता देवान् पितृन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। ॐ यान्ति देवव्रतान् देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। जय श्रीमन्नारायण। सभी भक्तन से विशेष अनुरोध, हमारे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन एक मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करने के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanashram.org पे जा के पंजीकरण में अपन नाम और ईमेल दें। आपकी ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम PDF तुरंत मिल जाए। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा, तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते हैं। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम का पढ़त हैं या सुनत हैं तो संपूर्ण रामायण पारायण का एक माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। ये एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एक लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके अपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।